Today we'll start with a chapter called Permutation and Combination. ये जो चैप्टर है ये मतलब ये चैप्टर हो गया एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो गया और एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया. जल्दी इन तीनों चैप्टर्स में जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है समझने में परम्यूटेशन. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर सेट हो जाए तो उन्हें बहुत ईजी लगता है ये चैप्टर. जो चैप्टर है वो जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉबिलिटी स्पेशली थोड़ा सा इन्वॉल्व चैप्टर है. मतलब इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर होने चाहिए. कॉन्सेप्ट तो वैसे सभी में क्लियर होने चाहिए, बस इस चैप्टर का जो हम बोलते हैं ना कि थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा आईक्यू ज़्यादा चाहिए, अंडरस्टैंड डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बट इफ़ यू आर फॉलोइंग लेक्चर बाई लेक्चर देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. बेसिकली दिक्कत ये आती है कि अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हेजी है तो जब एक क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा मेथड लगाना है. ठीक है, हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर में कोई गड़बड़ है. जनरली समझने के लिए थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पहला चीज़. दूसरा, अगर मान लें किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है समझने में तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने अवेलेबल टाइम का 50% यही चैप्टर समझने में लगा दें. दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल. उसकी बजाय तो हम जितना टाइम इसमें मास्टरी करने में लगाएं, और मान लें वो बहुत टाइम लग रहा है, रादर देन बाकी चैप्टर्स तैयार कर लें, उसमें हो सकता है हमारे मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो जाएं IIT-JEE के अंदर. तो देयर शुड बी अ बैलेंस. और अगेन इसका मतलब ये भी नहीं, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यू लीव दिस चैप्टर, क्योंकि कई बार JEE में ऐसा होता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन तो होना ही चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो दिस चैप्टर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, बट एक मिनिमम लेवल का एफर्ट तो ज़रूर मारना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से तुम्हें बहुत प्राइस पे करना पड़ जाए. तो ऐसा भी नहीं कि हम ऑल टुगेदर छोड़ के चले जाएँ. बेसिक क्वेश्चन हमें कम से कम करने आने चाहिए, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. और बैलेंस के दूसरी साइड मैंने बोला कि ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें मास्टरी करने के चक्कर में लगे रहे महीने तक यही चैप्टर पढ़ते रहें. ठीक है, वैसे अगर तुम लेक्चर वाइज फॉलो करोगे जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं अगर उनको ध्यान में रखोगे तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. मैक्सिमम क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू डू जो भी JEE के परव्यू में क्वेश्चन आते हैं. तो इसमें सबसे पहले विल स्टार्ट विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये ठीक है, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला वो नहीं है एज सच, सिंपल IQ का एप्लीकेशन या फिर सिंपल काउंटिंग है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके अंदर फर्स्ट हमने क्या लिखा इज एडिशन रूल. ठीक है, वापस रूल वूल कुछ नहीं है, सिंपल IQ है, और कोई बंदा जो मैथ नहीं पढ़ रहा है वो भी समझ सकता है इसको. मतलब कोई जिसे बोलते हैं ना इलिटरेट पर्सन भी समझ सकता है, बिल्कुल बेसिक है. जो लैंग्वेज लिखाएंगे वो शायद थोड़ा सा अटपटा लगेगा शुरू में, बट व्हेन विल एक्सप्लेन इट शुड बी क्लियर. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फर्स्ट क्या है, एडिशन रूल. एंड दैट सेज लेट एन इवेंट कैन अकर थ्रू प्रोसेस वन, ये थ्रू लिखा है राइट, थ्रू प्रोसेस वन इन m वेज, मतलब m नंबर ऑफ वेज, एंड थ्रू प्रोसेस टू इन n वेज. ठीक है, और उसमें लिख लिया नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा वे नहीं है जो इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ओवर काउंटिंग हो जाएगा, ज़्यादा काउंट हो जाएगा ऑफकोर्स. देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट विल बी एम प्लस एन. ठीक है, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया. जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब हम इसको लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं.
क्या बोला इसने कि मान लिया एक एक कोई काम करना है हमें, और वो काम करने के एन तरीके हैं किसी भी एक पहले मेथड को यूज़ करके, और एन तरीके हैं दूसरे मेथड को यूज़ करके, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? ऑफकोर्स एम प्लस एन। जैसे मान लिया मैं तुमसे ये बोलूँ कि ये एक सिटी ए है, ये दूसरा सिटी बी है, ठीक है। इस ए सिटी से बी सिटी तक जाने के लिए मान लिया दो रूट हैं वाया रोड, ये ठीक है, सड़क के जरिए जाने के दो रूट हैं, और मान लिया एक रूट ट्रेन का है T1 और एक एयर रूट है, ये ठीक है, हवाई जहाज़ से मान लिया A1। तो ए से बी तक पहुंचने कितने तरीके हो गए? ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज, ये ठीक है, विल बी फोर। किसका नंबर ऑफ वेज? गोइंग टू बी फ्रॉम ए, मतलब सिटी बी तक पहुंचने के सिटी ए से कितने तरीके हो गए? चार। जितने भी ये हैं इनको जोड़ दिया, ठीक है। ये तो बहुत लेम सा एग्जांपल है, अभी समझ में आएगा आगे। और एडिशन रूल लगाना है उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखेंगे, या क्या चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ एडिशन रूल लगेगा? उसमें ए पॉइंट तो ये है, एडिशन मींस ऑप्शन, ये ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हम जोड़ रहे होंगे उसमें हमारे पास ऑप्शन जैसी चीज़ होगी। जैसे हमने बोला ना कि एक काम करने के एम तरीके इस मेथड से हैं, एन तरीके इस मेथड से, तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे लैंग्वेज में, या तो फर्स्ट मेथड यूज़ किया या फिर सेकंड मेथड यूज़ किया। तो या फिर का मतलब क्या है? और वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन कि ऐसे भी कर सकते हो और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, तो इसलिए ऐड करेंगे उसका। बाकी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा सेंस आएगा, बट तुम ये समझो कि एडिशन का मतलब कहाँ पे एडिशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे और का सेंस आ रहा होगा, इंग्लिश वाले और का सेंस आ रहा होगा, मतलब ऑप्शन का सेंस आ रहा होगा। ये और तो इसके और इसके बीच में लिखा है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए से बी तक जाने के लिए आइदर आई हैव यूज्ड रोड वन और आई हैव यूज्ड रोड टू। मैं ऐसे थोड़ा बोलूँगा रोड वन यूज़ किया एंड रोड टू यूज़ किया, एंड थोड़ी ना आएगा, एक साथ दोनों रोडों पे थोड़ा चल सकते हैं, या तो हम रोड वन से जाएंगे या फिर रोड टू से जाएंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है तो फिर जोड़ दिया, रोड वन से जाने का एक तरीका, रोड टू से जाने का दूसरा तरीका, तो वन प्लस वन ऐसे जोड़ दिया। फिर ट्रेन से जाने का एक और तरीका, तो प्लस वन, फिर बाय एयर जाने का एक और तरीका, तो फिर एक और प्लस वन, इसलिए ये चार आया जोड़ के, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़ ये दिमाग में रखेंगे कि जो भी हमारे पास, जो वैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है ओवरलैपिंग करके लिखा है, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी हम नंबर ऑफ तरीके जोड़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तरीके में भी वो आ जाए एक पर्टिकुलर केस और दूसरे तरीके में वही पर्टिकुलर केस आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। तो उसको हम मैथमेटिकल की लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज शुड बी, ये ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ठीक है, और नॉन ओवरलैपिंग, वही जो ऊपर लिखा था नॉन ओवरलैपिंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी ये होता है कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वे दोनों जगह से काउंट हो जाए, दो जगह से काउंट हो गया तो ओवर काउंटिंग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जोड़ते समय किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें ये शक हो रहा है कि इसमें जोड़ेंगे या इससे, जस्ट अगला रूल क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर मेरे को ये शक हो रहा है कि पता नहीं जुड़ेगा या मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली तुम ये देखो कि उसमें और का सेंस आ रहा है या फिर एंड का सेंस आ रहा है। अगर और का सेंस आ रहा होगा तो ऐड करेंगे, अगर ऑप्शन होगा तो एंड करेंगे, एंड होगा, ठीक है। फर्स्ट एडिशन रूल हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रूल मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। पहले तो वही थ्योरी लिखते हैं इसमें, इफ इवेंट इवन कैन अकर थ्रू एम वेज एंड
अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट ई टू कैन अकर थ्रू एन वेज देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवन एंड ई टू विल बी एम इंटू एन। ये ठीक है, इस बार मल्टीप्लाई किया, इस बार इसने क्या बोला कि एक मान लिया इवेंट इवन है, ये ठीक है, या फिर एक काम है जो हम एम तरीके से कर सकते हैं, दूसरा काम है इससे अलग, एक दूसरा काम है जिसको करने के एन तरीके हैं, और ये जो करने के एन तरीके हैं उस पे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले वाले काम को किस तरीके से करें, मतलब आपस में इंडिपेंडेंट है, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पहले काम को करने का हम कोई भी तरीका लगाएं उससे दूसरे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वाइस वर्सा, मतलब दूसरे वाले के काम को करने का हम कोई भी तरीका लगाएं उससे पहले वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके तो एम वेज ही रहेंगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर अगर हम बोलें कि ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है, तो टोटल तरीके कितने तरीके से कर सकते हैं दोनों को, वो हो जाएगा एम इंटू एन। ठीक है, अब ये जो हमारी पहले वाला एग्जाम्पल था उसी की एनालॉजी लें, तो मान लिया जैसे हमने बोला था सिटी ए है सिटी बी है, अब मान लिया हमने एक और सिटी सी है, ए से बी तक जाने के हमने क्या बोला था कि दो तरीके हैं रोड से जाने के, एक तरीका है मान लिया ट्रेन से जाने का और एक तरीका है मान लिया एयर से जाने का। ठीक है, और मान लिया बी से सी तक जाने के रोड से जाने का एक तरीका है, और मान लिया दो ट्रेन रूट हैं से टी वन एंड टी टू, ये आर वन और ये आर वन अलग है, मतलब ये चलो आर वन डैश बोल दिया, टी वन डैश टी टू डैश, और मान लिया एक एयर से जाने का तरीका है, सॉरी ए वन डैश। अब अगर कोई मेरे से ये बोले कि मेरे को ए से सी तक जाना है वाया बी, मतलब ए से सी तक जाना है बी से होते हुए, तो हम इसको बोलेंगे कि दो इवेंट है हमारे पास, पहला तो उसे ए से बी तक जाना है एंड बी से सी तक जाना है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया, तो हमारा जो इवेंट ईवन है, ईवन क्या है ये, ठीक है, गोइंग टू बी फ्रॉम ए। ठीक है, तो इस इवेंट को करने के कितने तरीके हैं, ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं, वो तो चार ही तरीके हो गया, एक दो तीन चार, और इन चारों के बीच में ऑप्शन है, या तो आर वन या तो आर टू, या तो का मतलब क्या है और, मतलब ऑप्शन है, इसलिए वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर तरीका हो गया या फोर वेज हो गया। फिर अगर हमने दूसरा इवेंट डिफाइन किया ई टू, और ई टू में हमने क्या बोला गोइंग टू सी फ्रॉम बी, उसके कितने तरीके हैं, उसके भी इसके हिसाब से चार तरीके हैं ये, ठीक है, या तो रोड वन यूज़ किया या फिर ट्रेन वन यूज़ किया या फिर ट्रेन टू यूज़ किया या फिर एयर रूट यूज़ किया। अच्छा, अभी हमने क्या बोला दो इवेंट हो गया कि ए से बी तक जाना है बी से सी तक जाना है, इन दोनों इवेंट्स के बीच में ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं ऐसे थोड़ा बोलूँगा या तो ए से बी तक चले गए या फिर बी से सी तक चले गए, अगर मैं सिंपल आई क्यू से सोचूँ इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, या तो का क्या मतलब है, ए से बी तक जाना और बी से सी तक जाने के बीच में ऑप्शन थोड़ा है, अरे बी से सी तक तो जब भी जाएंगे ना जब पहले ए से बी तक आ गए, पहला चीज़ तो ये हो गया कि इसके बीच में ऑप्शन नहीं है, इसके बीच में कंडीशन है कि हमें ए से बी तक जाना है एंड बी से सी तक जाना है, उसका मतलब क्या है कि इवेंट ईवन भी होना चाहिए एंड ई टू भी होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं, चार, और बी से सी तक जाने के कितने तरीके हैं, इंडिपेंडेंट चार तरीके हैं, इसका मतलब क्या है कि बी से सी तक जाने में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए से बी तक हम कैसे आएँ, कैसे भी आओ, चाहे रोड से आओ चाहे ट्रेन से आओ चाहे बाई एयर आओ, बी से सी तक जाने के तो चार ही तरीके हैं ये, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो दो चीज़ बोला, दो की वर्ड हैं, एक तो इंडिपेंडेंट और दूसरा एंड, एंड मतलब कंडीशन है, मतलब फोर्सिबली हमें दोनों ही करने हैं, दोनों इवेंट्स के बीच में ऑप्शन नहीं कि चाहे ई वन कर लो चाहे ई टू कर लो, तो मल्टीप्लीकेशन यूज़ होगा, तो फिर इस वाले केस में ई वन एंड ई टू के नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग सी फ्रॉम ए वाया बी,
मतलब सी तक पहुंचने के ए से कितने तरीके हैं बी होते हुए, तो वो हो जाएगा एम इंटू एन, तो ये एम की तरह काम कर रहा है, ये एन की तरह काम कर रहा है, तो कितना हो गया 4 × 4 विच इज 16, ये तरीके हो गए, बस ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में एंड का सेंस आता है, समेशन में और का सेंस आता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझाना चाहिए कि ये जो चार तरीके हैं ये तो जुड़ रहे हैं, बट ये जो चार तरीके यहाँ पे और ये जो चार तरीके हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो ऐड नहीं होगा। वो ऐड तो जब होता है जब हम ये बोलते हैं कि ए से बी तक गए या फिर बी से सी तक गए, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल दूँ कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ लीविंग बी, मान लिया ए से सी तक नहीं जाना, मैंने एक नया क्वेश्चन बोल दिया कि बी को छोड़ने के कितने तरीके हैं, मतलब या तो बी से सी तक जाना है या फिर बी से ए तक जाना है। अब ऑप्शन आ गया, अब तो या तो बी से सी तक जाओगे या फिर बी से ए तक जाओगे। तो अब अगर मैं बी से सी तक जाऊँ तो चार ऑप्शन, बी से ए तक जाऊँ तो भी चार ऑप्शन, इन दोनों के बीच में नाउ यू आर हैविंग ऑप्शन। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बी से सी तक गए एंड बी से ए तक गए, अगर बी से सी तक जा रहे हो तो फिर ए वाले पे कौन जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि बी से जाने के कितने तरीके हैं, चाहे ए की तरफ जाओ चाहे सी की तरफ जाओ, तो अब ऑप्शन आ गया। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ लीविंग बी, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ लीविंग बी, उसमें अब दोनों के बीच में बिकॉज ऑप्शन है इसलिए 4 + 4 = 8, वो बी छोड़ने के 8 तरीके, यहाँ वापस समेशन रूल आ जाएगा। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, तो शायद अभी तक तो शुरू ही हुआ है। अच्छा, ये तो शायद डाउट नहीं होगा कि ए से बी तक जाने के चार तरीके हैं, तो बी से ए तक जाने के चार तरीके कैसे हो गए। ऑफ कोर्स जिस रोड पे ए से बी तक जा रहे हो उसी रोड पे वापस भी आ सकते हैं, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने समेशन रूल में बोला था वैसे यहाँ बोल दिया नोट करके कि एडिशन, सॉरी, प्रोडक्ट रूल में या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या क्या याद रखेंगे। पहला चीज़ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइज, मतलब जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, एडिशन मींस, मींस मतलब इम्प्लाइज ऑप्शन और या फिर और का सेंस आ रहा होगा, ठीक है। वैसे मल्टीप्लिकेशन में एंड का या फिर मतलब उसमें तो ऑप्शन बोला था, इसमें हम बोलेंगे कंडीशन, वहाँ तो ऑप्शन था यहाँ कंडीशन है कि करना ही है ये भी, मतलब इवेंट E1 भी करना है एंड इवेंट E2 भी करना है, उन दोनों के बीच में ऑप्शन नहीं, उन दोनों के बीच में कंडीशन है, तो ये वाला और इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि या तो एंड का सेंस आ रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ए से बी तक गए एंड बी से सी तक गए, ए से बी तक गए और बी से सी तक गए ऐसा नहीं बोला है, ए से बी तक गए एंड बी से सी तक गए ये बोला है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये याद रखो कि जो यहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पे कंडीशन का सेंस आ रहा होगा कि ये भी करना है एंड ये भी करना है, या फिर एंड का सेंस आ रहा होगा और का सेंस नहीं आ रहा होगा, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सॉरी फॉर मल्टीप्लिकेशन इवेंट्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे हमने वैसे तो लैंग्वेज में भी यूज़ किया था यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होनी चाहिए, मतलब कि पहले इवेंट को करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं उसका दूसरे इवेंट को करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब पहले को कितने तरीके से करें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे को कितने तरीके से करें। एडिशन रूल में हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, वहाँ पे हमने बोला था कि नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, ये ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम बोले ना कि इस मेथड वन और मेथड टू के बीच में ऑप्शन है, तो कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो दोनों तरफ आ जाए, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि पहले इवेंट को करने के लिए जो नंबर ऑफ तरीके हैं उस पर दूसरे इवेंट को किस तरीके से किया गया है इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब दूसरे के करने के जो तरीके हैं उसके ऊपर इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले को करने के कितने तरीके। जैसे अभी तो टाइमिंग के लिए तो मैं ऐसे देख लो कि अगर मान लिया मैं यहाँ से बोलूँ कि ए से सी तक जाना है, ये ठीक है, बट सेम मोड ऑफ ट्रैवल यूज़ नहीं करना है, एक एडिशनल कंडीशन डाल दिया मैंने,
कि ए से बी तक अगर रोड यूज़ किया है तो बी से सी तक रोड यूज़ नहीं करना है। अगर ए से बी तक ट्रेन से गए हैं तो बी से सी तक ट्रेन से नहीं जाएंगे और किसी से जाएंगे। ऐसा करने से अब फ़र्क पड़ गया, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए से बी तक रोड से गए तो बी से सी तक जाने के तीन ऑप्शन है, या तो ये वाला ट्रेन, या तो ये वाला ट्रेन, या फिर ये एयर रूट ले लिया, ठीक है, तब तो तीन तरीके हैं। और अगर हम ए से बी तक ट्रेन से गए तो अब आगे ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते इस कंडीशन के साथ जो मैंने अभी लगाया, तो फिर दो ही तरीके हैं। उसका मतलब क्या है, बी से सी तक जाना तो अब इस बात पर डिपेंड कर गया कि हम ए से बी तक कैसे आए। समझ में आया? तो इस वाले केस में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर हमने ऐसा कंडीशन को इम्पोज कर दिया तो। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, एंड आई विल कीप रिमाइंडिंग इट, मैं पूरे चैप्टर के दौरान बार बार ये बोलता रहूँगा। इफ बिटवीन टू प्रोसेसेस, इफ बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑर्डर इज पॉसिबल, देन इट विल बी कंसीडर्ड बाई इट सेल्फ इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लिया अगर हमने कुछ चीज़ें किया एक के बाद एक, ये ठीक है, और अगर जो आउटकम है उसके बीच में ऑर्डर पॉसिबल है तो वो अपने आप कंसीडर्ड हो जाएगा, ये ठीक है, अगर पॉसिबल है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मान लिया हमारे पास एक बॉक्स है और उसके ऊपर, उसके अंदर मान लिया कुछ भी चार चीज़ें रखी हैं, थिंग वन, थिंग टू, थिंग थ्री, चार ऑब्जेक्ट्स रखा है, ये ठीक है, चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखा है। अब हमसे बोला जाए कि इस बॉक्स में से दो ऑब्जेक्ट निकालना है एक एक करके, तो कितने तरीके हैं? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मैंने इसमें से पहला ऑब्जेक्ट निकाला एंड फिर दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला, फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाला एंड फिर सेकंड ऑब्जेक्ट निकाला, सेकंड ऑब्जेक्ट निकाला। तो मान लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाला वो T1 निकला, सेकेंड ऑब्जेक्ट निकाला वो T2 निकला। तो अगर मैं बोलूँ कि दो ऑब्जेक्ट निकालने के कितने तरीके हैं, तो हमने बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर इसके अंदर चार ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट निकालने के कितने तरीके हैं? मेरे पास चार ऑप्शन हैं, या तो ये निकाल लिया, या T2 निकाल लिया, या T3 निकाल लिया, या T4 निकाल लिया। अच्छा, अब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट निकाल लिया तो वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब इस कंटेनर के अंदर कितना ऑब्जेक्ट बचा है? तीन। तो सेकंड ऑब्जेक्ट को निकालने के कितने तरीके हो गए? तीन। ठीक है, अब ये बताओ कि पहला ऑब्जेक्ट निकालना है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट निकालना है, ये बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि पहला ऑब्जेक्ट निकालना है और दूसरा ऑब्जेक्ट निकालना है? ठीक है, कोई भी आंसर बता सकता है कि और का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, दूसरा तो जब ही निकलेगा ना जब पहला निकल आए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरा विदाउट पहले के निकल आए, ऐसा तो ही नहीं सकता, वरना दूसरा क्यों बोलेंगे उसको? ऑफ कोर्स यहाँ पे एंड आएगा कि पहला ऑब्जेक्ट निकाला एंड दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, जब हम दूसरी बार नंबर ऑफ, जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं सेकेंड इवेंट को करने के, सेकेंड इवेंट मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट निकालने के, वो तीन है, उस पर क्या इस बात का कोई फ़र्क पड़ता है कि पहली बार में कौन सा ऑब्जेक्ट निकला है? नहीं पड़ता। वो चाहे पहली बार में T1 निकला तो भी दूसरी बार हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, पहली बार में T2 निकला तो भी दूसरी बार तीन ही ऑप्शन है। उसका मतलब क्या कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 4 × 3 विच इज़ 12। ठीक है, अब ये जो हमने अभी तीसरा जो नोट लिखा है उसमें हमने ये बोला कि जैसे मान लिया एक आउटकम तो यह है कि पहली बार T1 निकला और दूसरी बार T2 निकला, ये ठीक है, ये तो हमारा आउटकम वन हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार जब हम ऑब्जेक्ट निकालें तब T2 निकल आए और दूसरी बार जो ऑब्जेक्ट निकालें वो T1 निकल आए, दूसरी बार मान लिया ये आ गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो दो आउटकम है
वो दोनों ही पॉसिबल हैं, टी वन टी टू भी आ सकता है और टी टू टी वन भी आ सकता है, ये ठीक है। तो इसने हमें ये बताया कि अगर उनके बीच में ऑर्डरिंग पॉसिबल है इन दोनों के बीच में, तो वो अपने आप कंसीडर हो जाएगा और काउंट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो 12 है इसमें टी वन टी टू ये सेपरेट केस की तरह काउंट होगा, टी टू टी वन ये सेपरेट केस की तरह काउंट होगा। मतलब ये जो 12 निकला है इसमें बेसिकली टी वन टी टू, अगर मैं बोलूँ ना 12 कैसे आया, तो वो ऐसे आया। एक तरीका तो ये हो गया, पहली बार टी वन, दूसरी बार टी टू, फिर दूसरा तरीका पहली बार टी वन, दूसरी बार टी थ्री, फिर टी वन टी फोर, ठीक है, फिर टी टू टी वन, टी टू टी थ्री, टी टू टी फोर, फिर टी थ्री टी वन, टी थ्री टी टू, टी थ्री टी फोर, एक और बी विद मी, टी फोर टी वन, टी फोर टी टू, टी फोर टी थ्री। अब इसको गिन लो, ये टोटल 12 हैं। तो बेसिकली वो जो 12 आए हैं वो ऐसे आए हैं, तो इसके अंदर तो टी वन टी टू एक सेपरेट केस की तरह काउंट होगा एंड ये टी टू टी वन एक सेपरेट केस की तरह काउंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑर्डरिंग पॉसिबल है, ठीक है। एक तो ये हो गया विज़े विज़। अब तुम एक दूसरा केस देखो कि मान लिया हमारे पास दो बॉक्स है, इसके अंदर चार ऑब्जेक्ट हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, और एक दूसरा बॉक्स है, दिस इज़ बॉक्स वन दिस इज़ बॉक्स टू, इसके अंदर मान लिया कुछ भी तीन ऑब्जेक्ट है। अब इसने बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन ड्रॉ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच बॉक्स, ये ठीक है। उसका मतलब क्या है, इससे भी एक ऑब्जेक्ट निकालना है एंड इससे भी एक ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इस वाले केस में पहले वाले से एक ऑब्जेक्ट निकाला कितना तरीका है, फोर। दूसरे वाले से एक ऑब्जेक्ट निकाला कितना तरीका है, थ्री। तो पहले वाले से ऑब्जेक्ट निकाला एंड दूसरे वाले से ऑब्जेक्ट निकाला, इसका टोटल कितना तरीका है, वो हो गया 4 × 3। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ दीज टू बॉक्सेस विल बी 12। मतलब दोनों बॉक्सेस से एक एक ऑब्जेक्ट निकालने का कितना तरीका हो गया, 12, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से इसमें ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ा होगा कि टी वन पहले बैग से निकला, मतलब जैसे हमने बोला कि एक आउटकम ये हो गया कि इससे टी वन निकला इससे एस वन निकला, तो ये एक आउटकम हो गया। बिल्कुल इन दोनों के बीच में ऑर्डरिंग पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि एस वन पहले बैग से निकल आएगा, एस वन जब दूसरे बैग में है तो पहले बैग से निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस बात का सेंस नहीं बनता है कि टी वन एस वन या फिर एस वन टी वन, यहाँ पे तो टी वन एस वन ही हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया ये क्वेश्चन हमें दिया जाता और वो बोलता कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, तो जो उसका लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसने तो बोला दो ऑब्जेक्ट निकालने के तरीके बताओ कितने हैं। तो अगर मैंने 4 × 3 लिखा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस बॉक्स, मतलब नंबर ऑफ तरीके बताओ अगर हम इस बॉक्स से दो ऑब्जेक्ट निकाल सकें, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो मैटर करता है कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन निकला बाद में कौन निकला, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके हिसाब से। मतलब अगर उसने बोला कि दो ऑब्जेक्ट कितने तरीके से निकाला जा सकता है, तो अब उसके लिए टी वन टी टू और टी टू टी वन दोनों एक ही बात है, उस पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन निकला बाद में कौन निकला। उसने तो बोला ही नहीं कि पहले बाद में निकालना है, वो तो हमने क्वेश्चन को ऐसे डिफाइन किया कि पहले एक ऑब्जेक्ट निकाला फिर एक ऑब्जेक्ट निकाला। तो अगर उसने ये बोला कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस बॉक्स, तो क्या होगा कि जो हमारा आंसर आया 12 उसमें हर वैलिड केस, जैसे अब तो क्या है कि टी वन टी टू निकला ये एक केस हो गया, टी वन टी थ्री निकला ये दूसरा केस हो गया, टी टू टी वन निकला ये तीसरा केस नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो बोला दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है ये मैटर करता है। मतलब टी वन टी टू है ये एक तरीका हो गया, टी टू टी वन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 12 है ये आंसर नहीं हुआ इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें तो ओवर काउंटिंग हो गया, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया उसमें तो ऑर्डर भी काउंट हो गया कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, जबकि उसने बोला ही नहीं ऐसा कुछ कि ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे बिकॉज टी वन टी टू निकालो चाहे टी टू टी वन निकालो दोनों एक ही बात है, तो हर वैलिड केस दो दो बार काउंट हो गया। तो हमारा जो ये 12 आंसर आ रहा है इसमें हर केस दो दो बार काउंट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 12/2 आंसर आ जाएगा 6। तो अगर उसने ये बोला कि इस बैग से दो ऑब्जेक्ट निकालने के कितने तरीके हैं, इतना बोल के वो चुप हो जाए, तो
तो हमारा आंसर होगा सिक्स, सिक्स तरीके। हमने भले ही इसको ऐसे डिफाइन किया कि पहला ऑब्जेक्ट निकाला और दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला, उससे क्या हुआ कि ऑर्डर भी सॉरी ऑर्डर भी कंसीडर हो गया जो नहीं होना चाहिए। और फिर हमने देखा आईक्यू लगा के कि हर वैलिड केस दो दो बार काउंट हो रहा है, तो हमने आधे कर दिए, अपने आप आंसर आ गया सिक्स। अगर वो क्वेश्चन मान लें ये बोलता फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग टू ऑब्जेक्ट्स वन बाई वन एंड ऑर्डर मैटर्स, ये ठीक है, अगर उसने खुद ही बोल दिया कि एक एक करके निकाला गया और ऑर्डर भी मैटर कर रहा है तो कितने तरीके, तो फिर आंसर 12 ही रहेगा क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है फिर तो टी वन टी टू और टी टू टी वन दोनों मैटर करेगा। अच्छा आई होप यू आर विद मी सो फार, अगर कन्फ्यूज़ हो गए हो तो एक बार लेट मी ट्राई अगेन। ये बॉक्स रखा है हमने, एक तो ये बोला कि इस बॉक्स में से दो ऑब्जेक्ट निकाल के बाहर रख दिया, बताओ कितने तरीके से बाहर दो ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें उसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बाहर कैसे भी रखो, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सी है ये चीज़ मैटर करता है, ये चीज़ मैटर नहीं करता कि कैसे कैसे रखा गया है। तो आंसर सिक्स हो जाएगा कि पहले हमने एक ऑब्जेक्ट निकाला दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला, तो बिकॉज पहला ऑब्जेक्ट जो निकल रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसके बीच में ऑर्डर पॉसिबल है, तो वो ऑर्डर मल्टीप्लाई करते समय अपने आप काउंट हो गया, इसलिए हमने बाई टू कर दिया। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लिया उसने ये बोला कि हमारे पास मान लिया एक ग्लास ग्लास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा छोटा है, ग्लास है मान लिया। अब उसने बोला कि इस ग्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट रखा गया निकाल के, ठीक है, तो इस ग्लास में कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो अब क्या है कि मैंने पहला ऑब्जेक्ट निकाल के ग्लास के अंदर रखा, ठीक है, अच्छा ग्लास ग्लास मान लिया ऐसे है ये, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट इतना जगह घेरेगा, बराबर बराबर नहीं आएगा, प्रिटी बैड इन आर्ट वर्क, ये मान लिया दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक ही रखा जा सकता है, बराबर बराबर में इतना बड़ा ग्लास नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया ये, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, फ्लास्क मान लिया, फ्लास्क में हमने दो ऑब्जेक्ट रखा है, अब वो बोले कि इस ग्लास में कितने तरीके से रखा जा सकता है। तो अब तो अगर हमने ग्लास के अंदर रखा है तो अब तो मैटर करेगा कि नीचे ओ वन है ऊपर ओ टू है, ओ वन ओ टू मतलब सॉरी टी टू टी वन है, या फिर नीचे टी टू है और ऊपर टी वन है, ये मैटर करेगा क्योंकि ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है। तो अब अगर उसने ये बोला कि इस बॉक्स में से दो ऑब्जेक्ट निकाल के हमने फ्लास्क में रखा, तो फ्लास्क में ऑब्जेक्ट कितनी तरीके से रखा जाएगा, तो अब आंसर में ये चीज़ हमें मैटर करेगा कि पहले टी वन नीचे है टी टू ऊपर है या टी टू नीचे है टी वन ऊपर है, तो अब आंसर 12 हो जाएगा वापस, ठीक है, आई होप यू आर विद मी आर नॉट लॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि दो बैग हैं, अब उसने बोला कि दोनों से एक एक निकाला गया, उसने बस यही बोला कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच बॉक्स, तो अब जो आंसर रहेगा वो 12 ही रहेगा, इसमें बाई टू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टी वन और एस वन टी वन आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इवेंट ही अलग अलग है, पहले बैग में से दूसरे बैग वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा निकल आएगा, कोई जादू थोड़ी ना, तो इसलिए इस बार कोई बाई टू नहीं होगा, इस बार ये ऑप्शन नहीं है कि ऐसे और ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ए बी और बी ए हो ही नहीं सकता इसमें, ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है। पहली बार तो क्या था हम एक ही बैग से निकाल लेते, तो उसमें तो ऐसा हो सकता है कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट निकला दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट निकला, एंड आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड। फिर भी ये जो मैंने बोला ना कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये जनरली यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है कि बाई टू कहाँ करना है, बाई टू तो मतलब इसमें करना है, और भी क्वेश्चन होगा तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अगर पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, बाकी ड्यूरिंग द चैप्टर आई विल कीप रिमाइंडिंग यू, बार बार मैं बोलता रहूँगा तो शायद थिंग्स विल बी क्लियर आई होप। ये दूसरा तरीका हो गया, सॉरी दूसरा रूल हो गया, पहला क्या था एडिशन रूल, सेकंड क्या था मल्टीप्लिकेशन रूल, थर्ड क्या है डिवीजन रूल, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड इज कॉल्ड बाइजेक्शन, बाइजेक्शन रूल, ये ठीक है, ये भी कोई रूल वूल नहीं है, एक लाइन में है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, नो नहीं है नंबर है,
ठीक है, नंबर ऑफ वेव, टोटल नंबर ऑफ वेव्स माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा ये तो. इसने क्या बोला इफेक्टिवली कि अगर हमें फेवरेबल नंबर ऑफ वेव्स काउंट करने हैं, ठीक है, जो भी उसने कंडीशन दे रखा है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अनफेवरेबल वेव्स निकाल लिया और टोटल वेव्स निकाल ली, टोटल में से अनफेवरेबल घटा दिए जो मतलब हमें नहीं चाहिए, तो जो बच जाएगा वो फेवरेबल बच जाएगा. अब तो मैं लग रहा हूँ ये तो इतनी छोटी सी बात है, ये बताने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत है मतलब. कुछ केसेस में मान लिया हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो उसने कुछ भी बोला कि दे 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 दिस, ये बताओ कितने तरीके से किया जा सकता है. हमने केस काउंट करना शुरू किया या फिर केसेस बनाने शुरू किए और जो नंबर ऑफ वेज है वो बढ़ते चले गए, बनते चले गए. तो अगर हमें लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा वेज हो जाएंगे, ऐसे तो गिनते गिनते पागल हो जाएंगे, अगर हमें ऐसी फीलिंग कभी आए तो तुरंत रुक के हमने एक बार ऐसे सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि अनफेवरेबल वेज काउंट करना ईजी हो. मतलब जैसे मान लिया ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ वेज 1 करोड़ हो गया, मान लिया ऐसी, और उसमें से 99,99,990 फेवरेबल हो और 10 अनफेवरेबल हो, ठीक है, ये तो ज़्यादा एग्जैजरेटेड एग्जांपल हो गया, मान लिया ऐसा हो. तो जब हमने गिनना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000 पे पहुँचे, हमने ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो गिनते चले जाएंगे तो पागल हो जाएंगे. फिर हमने उल्टा सोचा कि अनफेवरेबल कौन कौन सा है, मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो कौन कौन सा है. अब वो अगर हमने गिना तो 10 ही गिना गया, तो बस टोटल में से 10 घटा दिया तो फेवरेबल आ गया, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक. शायद मैंने नंबरों में ऊपर नीचे कुछ कर दिया, गलती हो गई है, तो आई होप यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक नॉट द नंबर्स. कहने का मतलब क्या है कि हमें बाइजेक्शन रूल लगाने की फील कब आएगी, वो हमें फील जब आएगी कि जब हमने अपने फेवरेबल केसेस बनाने शुरू किए और बनते चले गए, जैसे बनना चालू हुआ कि बहुत ज़्यादा वे हो रहा है, हमें जैसे ये फीलिंग आएगी ज़्यादा वे हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ज़्यादा वे नहीं हो सकता, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना वे इतना काम नहीं कराएंगे वो हमसे. तो फिर हमने उल्टा सोच लिया कि ऐसा तो नहीं कि अनफेवरेबल काउंट करना बहुत ईजी हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. और ठीक है, ये बस बाइजेक्शन रूल हो गया. रूल वूल क्या, सिंपल IQ है, कोई भी बता सकता है इसको. तो उसके बाद और क्या बचता है, हाँ, एक तो जैसे हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन करते समय इवेंट्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम केसेस बनाएंगे, ये ठीक है. इसका मतलब क्या है वो अभी आगे समझ में आ जाएगा. तो एक और नोट करके लिख लिया, क्या लिखा, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन ओवरलैपिंग, इंग्लिश में नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं और मैथमेटिक्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, वो भी वैसे इंग्लिश ही है बट समझ में आ गया, ठीक है. मैथ्स वाले जनरली हर चीज़ को डिफ़िकल्ट वर्ड से बोलते हैं, ठीक है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ कुछ भी नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बार काउंट हो जाए बस. तो इफ़ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ठीक है. और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो हमने बोला कि जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा. जब अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, जैसे चलो जब इतना बोल दिया तो ये भी बोल ही दिया ना, जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लिया ए से बी तक जाने में रोड वन रोड टू ट्रेन वन ट्रेन टू सॉरी एयर वन था, हाँ, और इसमें था रोड वन डैश और T1-T2-A1- ये था, ठीक है. अब हमने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्वेश्चन है, ये ठीक है. अगर बोलना मेरा समझ में नहीं आया तो लिख लिया,
फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, वाया बी, एंड कंडीशन क्या है, विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है आपका। हाँ, तो ए से बी तक जाने के चार तरीके, बी से सी तक जाने के चार तरीके, तो ए से बी तक जाना है एंड बी से सी तक जाना है, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई 4 × 4, क्यों, बिकॉज बी से सी तक जाने के जो चार तरीके हैं वो बेसिकली चार तरीके नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ए से बी तक किससे आए हैं। अगर ए से बी तक रोड से आए हैं देन वी कैन नॉट यूज रोड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या कि अब मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो अब केसेस बनाया हमने। केसेस कैसे बनाया हमने, मतलब सॉल्यूशन में ऐसे बोला कि केस वन, ए से बी तक रोड इज, सॉरी, रोड इज यूज्ड, ये तो एक केस हो गया, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि केस वन तो में तो हमने ये बोला कि रोड इज यूज्ड, केस टू में हमने क्या बोला कि ए से बी तक ट्रेन इज यूज्ड, ट्रेन इज यूज्ड, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। मतलब कोई केस ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे भी आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले केस में तो रोड ही यूज़ किया है, दूसरे वाले में ट्रेन यूज़ किया है ए से बी तक जाने में, तो साइमल्टेनियसली तो हो ही सकता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग ही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो या केस ऊपर भी काउंट हो जाए नीचे भी आ सकता काउंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग कर दिया हमने। और ए से बी तक ये ठीक है, एयर इज यूज्ड, एयर का मतलब है एयर रूट, हवा यूज करने का मतलब, आई होप या गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमने बोला कि ए से बी तक रोड इज यूज, तो ए से बी तक गए एंड बी से सी तक गए, तो ए से बी तक जाने के कितने ऑप्शन हो गए, दो, या तो ये वाली रोड या तो ये वाली रोड। फिर बी से सी तक जाने के कितने ऑप्शन हो गए, तीन। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट हो गया कि मान लिया चाहे रोड वन यूज़ करो तो भी ये T1-T2-A1- तीन ऑप्शन है, चाहे रोड टू यूज़ करो तो भी बी से सी तक जाने के तीन ऑप्शन, मतलब इसके बाद बी से सी तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए से बी तक हम कैसे आएँ, रोड वन यूज़ करके या रोड टू यूज़ करके, इस केस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 2 × 3, तो कितना हो गया, 6, ठीक है। फिर अगर हम ट्रेन रूट से गए हैं तो ट्रेन रूट से जाने का कितना तरीका है, ए से बी तक, एक तरीका, ए से बी तक गए एंड बी से सी तक गए, तो एक तरीका, इनटू फिर बी से सी तक गए। अगर यहाँ पे ट्रेन यूज़ किया है तो यहाँ पे ये दोनों पाथ बंद हो गया, T1-T2-, तो कितना तरीका बचा, दो। ये जो दो तरीका है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पहले क्या कौन सी ट्रेन से आए, वैसे तो एक ही ट्रेन है खैर, बट फिर भी लॉजिक समझ में आता है। तो अगर यहाँ पे T1 यूज़ किया है तो यहाँ R1- या A1- दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इस बार कितना हो जाएगा, 1 × 2 विच इज़ 2, और तीसरा फिर एयर बचता है, ए से बी तक एयर से जाने का एक तरीका, और बी से सी तक फिर एयर यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर तीन तरीके। तो इसमें कितना तरीका हो गया, 1 × 3 विच इज़ 3, ठीक है। तो ये तीन हमने केसेस बनाया। अच्छा, केसेस के बीच में हमेशा हम एडिशन ही करते हैं, मतलब यूनियन लेते हैं, और ये बात हमने क्वाड्रेटिक के चैप्टर में भी बोला था। क्वाड्रेटिक के चैप्टर में हमने ये बोला था कि बिटवीन केसेस वी ऑलवेज टेक यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी वो बात लागू होती है कि केस वन में जो 6 तरीके आए हैं, केस टू में जो 2 तरीके आए हैं, और ये जो 3 तरीके हैं, ये सब ऐड किया जाएगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 6 + 2 + 3, हाँ कितना, सॉरी कितना हो गया, 11, तो 11 वेज हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये केसेस बनाने का, केसेस बनाना है ये हमें कहाँ से पता लगा, क्योंकि ये दो इवेंट था, दोनों इवेंट ही करना है, ए से बी तक जाना है एंड बी से सी तक जाना है, बट इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब बी से सी तक जाने के लिए जो नंबर ऑफ वे यूज़ किया जा रहा है उस पर इस बात का फ़र्क पड़ रहा है
कि हमने पहला इवेंट कैसे किया है, तो इसलिए हमें केसेस बनाना पड़ा। और अगर हम क्वेश्चन में से ये वाला क्लॉज हटा दें एंड विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये हटा दें तो आंसर सिंपली 16 हो गया, क्योंकि फिर तो इंडिपेंडेंट हो गया, तब तो 4 × 4 = 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये जो सिंपल लॉजिक है अगर ये समझ में आता है तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा नोट क्या था, इफ़ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग केसेस नहीं होने चाहिए। तो ये जो हमने तीन केस बनाए ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बार में रोड ही यूज़ किया है वही सारे केस काउंट हुए हैं जिसमें ए से बी तक रोड यूज़ हुआ है। दूसरे वाले केस में वही सारे केसेस काउंट हुए हैं जिसमें ए से बी तक ट्रेन ही यूज़ किया गया है। तो अब दोनों में कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता, वो अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर।